अरे चुप काहे बाड़ा, अपने बाप के बात का जवाब काहे नहीं देते? हाँ, अरे हम तो पहले ही शंका जाहिर कहले रहनी कि हिमानी विशंभर का इकलौती औलाद ना होखी त, विशंभर के कोनो और औलाद होखी त, तब तो हमार मुंह बंद करवा देले। कहला बाबूजी तोहार शंका गलत है, गलत खातारी तो बोला। हम हिमानी के बरसों से जाने ली, हम उखरे पूरे परिवार के जाने ली, अगर जब सबके जाने ले तो ये सम्राट कहां से आ गईल? इतना बड़ा जवान घोड़ा अचानक तना पैदा हो खलो कि ना? बाबूजी हम एकदम साफ कहते हैं, हिमानी से कितना बेरे बारे में हमारा बात कही बार, वो हर बार यह बतौली कि अपना बाप के इकलौती औलाद दिया, पूरा परिवार के बारे में हम पता कर रहे बाबू जी का खाक पता लगा ले रहला। अरे हमार तो सगरे सपनवा तुम्हारी बियाह के हवन में सुहागा हो गई। आ ओहर हिमानी के माई बाबूजी उस सम्राट के बेटा बेटा कहत रहलन, आ एहर हमार जान सुखत रहल ये सोच के कि तिजोरी के चाबी हमार हाथ से ना निकल जाए। माई यू तो हो सकेला कि सम्राट कहीं हिमानी के सगा भाई ना होके, कोनो रिश्तेदार होके? नहीं, हमार आंख के अतना बड़ा धोखा ना हो सकेला। अरे सगा भाई के जवन जवन रसम होखेला उ सब सम्राट में करत रहला, आ हिमानी के माई बाबूजी के हाव भाव से साफ ये बुझावत रहला कि उ सम्राट उनकरे बेटा बा। बारे बेटा गोपाल वाह वाह वाह, हमनी के करोड़ों का सपना दिखा के अपन लैला मजनू कहानी पूरा कर ले बेटा, हमने के करोड़ों के सपना पर पानी फिर गई। अरे अब बंगला कहाँ से आई, झूला कहाँ से झूला, और नौकर चाकर गाड़ी सब कहाँ से आई? अरे विशंभर नाथ का करोड़ों का जायदाद अब हिमानी तोरे पत्नी का ना, अरे उस सम्राट का हो की गलत खाता नहीं तो बोला। ऐसा कुछ ना हो की बाबू, करोड़ों के दौलत के खातिर तो हम ब्याह कहीं नहीं है। अब इतना आसानी से करोड़ों के दौलत हम अपना हाथ से तो ना जाए थे बाबू। हाँ भाईल ब्याह मोर करवा का, अब तो ब्याह हो गई, का कर ले बतू? अरे हमनी के तो किस्मतें फूटल रहल जब मंदिर में ब्याह खातिर हमनी तैयार हो गई नी। हाँ एक को पैसा दानो दहेज ना मांगनी। अरे हम तो मांगत रहनी ना, तो मना तो तू ही कहलू कि पूरा का पूरा झोरा ले, करोड़ों के चक्कर में लाखों भी कही, गलत कहता नहीं तो बोला। अरे आप लोग आपस में मत उलझी बाबू जी, अब भाइयों हमारा पूरा विश्वास बा कि गोटी हमनिये के पाला में बा, सम्राट हिमानी के सगा भाई नहीं होके के चाहिए। अरे भगवान करे ऐसा ही हो कहे। अरे जाके जल्दी से हिमानी से पता करा, अब वह सम्राट के सच और झूठ से पर्दा उठा सकेली। हाँ हाँ बेटा तू हिमानी से जाके पूछा, जब ले पता ना चली तब ले हमनी के खाइल पियल सब हराम हो जाए। हमार तो सब सपन में चूर हो गई, अब ना आपन गाड़ी में बैठ के घूम पाई, अन्ना हीरा के सेट पहिर के उस शर्मा के महरारू के जरा पाई। हे हो गोपाल के माई, हमरा तो रहे के चिंता हो खतबा, कुछ दिन बाद दामाद जी का ये घर अपने हाथ से निकल जाए तब का होगी? हम तो सोचले रहनी है कि ब्याह के बाद भक्त ने वो बंगला खरीद ले, लेकिन भगवान करे यह सच होके हिमानी बोल देवे कि सम्राट होकर अपन भाई ना हो। बेटा
तू बहू के साथ ऐसा बेरुखा का है बाड़ा? सब केहू बहू के गलत ठहरावत बा, लेकिन हमार मन अभी ये बात माने के तैयार नहीं थे कि बहू ऐसे कर सकेले। और फिर बहू तो भी बार बार कहत भी है कि वैसा कुछ नहीं खे केले, लेकिन कैमरा में ओकर तस्वीर आयल बा गहना लेत समय के। फिर भी काहे वो सब कुछ देखने के बाद भी अपन गलती माने के तैयार काहे नहीं किए? कुछ तो गड़बड़ बा जौन समझ में नहीं आ रहा बा। बाबूजी कुछ समझला की जरूरत नहीं बा, अगर फिर भी आपके लगता कि पूजा चोर नहीं बिया तो आप हमरा के समझाइए कि पूजा के कैमरा में चोरी करल तस्वीर कैसे आई। जवाब आपके पास नहीं बा, और हो भी नहीं सकेला, काहे कि आंखी देखल मक्खी केहू निगल नहीं सकेला बाबूजी, केहू नहीं। श्रद्धा तोर के का लागता कि बहु ऐसन कैले होगी? देखो अतना दिन से हमनी के साथ रह रहा लिया, कभू कोई ऐसा काम ना कैलस जे हमनी के उंगली उठावे के मौका मिले। हिमानी के ब्याह में इतना उलझ गेल रहले कि बात पर हम ध्यान ना दे सकले, लेकिन अब जितना सोचत है दिमाग उतना खराब होत बा। बहु ऐसन कैले होगी कि मन माने के तैयार नहीं बा, और कैमरा के तस्वीर झूठ बोल रहा बा, दिमाग माने के तैयार नहीं की। उस समझ में नहीं क्या कहा सच बा और कहा झूठ, पता नहीं हिमानी कैसन होगी। पूरा दिन निकल गई, उकर एको फोन तक नहीं आई। नया घर बा, नए लोग बाड़न, का होत हो के ओइजा, कम से कम एक बार फोन तो करे के चाहत रहल। श्रद्धा ई हसुआ के ब्याह में तू खुड़पी के गीत काहे गावत आरू? हम तारा से पूजा के बारे में बात करत रहली हां। हां पर हम हिमानी के बारे में बोलत हैं, अपन के चिंता हो गेल परान के नहीं। खूबसूरत लग रही है। हिमानी एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे माई बाबूजी को तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन शादी में एक सम्राट नाम का लड़का था जिसको तुम्हारे बाबूजी बार बार बेटा बेटा कह के बुला रहे थे, कौन था वो लड़का? अरे वो हमारे भैया हैं, सम्राट भैया। अच्छा, किसी दूर के रिश्तेदार में तुम्हारा भाई लगता होगा। नहीं,
वो हमारे सगे भैया हैं। आप इतने हैरान काहे हो गए? सम्राट तुम्हारा सगा भाई है क्या? लेकिन इससे पहले तो तुम बार बार कहती रही हो कि तुम अपने बाप की इकलौती औलाद हो, और इससे पहले कभी सम्राट भैया के बारे में न कभी मैंने सुना है न कभी देखा है। वो दरअसल भैया को पटना आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, इसीलिए। मतलब? भैया की असलियत कैसे बताऊं? झूठ बोलना पड़ेगा। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, छोड़िए ना, आज सिर्फ प्यार की बातें करें। नहीं, तुम पहले मुझे सम्राट के बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में जानकारी लेने की जिज्ञासा बढ़ गई है। वो सम्राट भैया हमेशा बाहर हॉस्टल में ही पढ़े हैं, इसलिए वो ज्यादातर बाहर ही रहते थे, और इसी वजह से मैं आपको उनके बारे में बता नहीं पाई। लेकिन तुम्हारा एक भाई भी है, ये तो पता चलना चाहिए ना, तुमने भी कभी नहीं बताया मुझे। दरअसल पापा ने बताने से मना किया था, वो जब हमारी मुलाकात हुई थी ना, तब सम्राट भैया ने पापा से बिना बताए शादी कर ली। बस इसी बात से पापा बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और उन्होंने सबको ये कह दिया कि किसी को भी भैया से कोई मतलब नहीं रखना। यहाँ तक कि उन्होंने हमसे भी यही कहा। बस इसी वजह से हमने आपको उनके बारे में नहीं बताया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, भैया भाभी अब हमारे साथ ही रहते हैं। अब आपको क्या हो गया? आप इतने सन काहे हो गए? भाई भी है, भाभी भी है, धोखा है ये, बहुत बड़ा धोखा है मेरे साथ। हिमानी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। छल? आपके साथ कैसा छल? तुमको ये पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारा एक भाई भी है और भाभी भी है। तो क्या हो गया, इसमें छल की कौन सी बात है? बात है, अरे हम तो सोचते थे कि तुम अपने बाप की इकलौती औलाद हो और शादी के बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा। लेकिन बीच में अब तुम्हारा भाई भी आ गया, मेरे पूरे परिवार का सपना एक झटके में ही अर्श से फर्श पर आके गिर गया। क्या मिलेगा तुम्हें? अब क्या मिलेगा? ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। तुम्हारा भाई है ना, वो क्या नाम है उसका, वो पूरे संपत्ति पे कुंडली मार के यूं बैठ जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, तुम चुपचाप सो जाओ। सोना के अंडा देने वाली मुर्गी के पेट में तो अंडा ही नहीं है, अब खाली मुर्गी से पैसा कैसे बनाया जाए ये सोचना पड़ेगा। स्वाति, स्वाति बेटा, स्वाति बेटा, स्वाति बेटा, स्वाति बेटा, स्वाति बेटा, क्या हो गया? स्वाति बेटा, बेटा ये क्या हो गया? स्वाति बेटा, अजय सुनते हैं, ये देखिए स्वाति बेटा को क्या हो गया है? क्या हुआ? बहुत तेज तेज सांस चल रहा है। क्या हुआ? ये देखिए स्वाति को क्या हो गया है? सांस बहुत तेज चल रही है। स्वाति, स्वाति बेटा आंखें खोलो, स्वाति बेटा, स्वाति, स्वाति बेटा आंखें खोलो, स्वाति बेटा, बेटा आंखें खोलो, स्वाति बेटा,
स्वाति जल्दी कीजिए, हमको डॉक्टर के पास जाना होगा अस्पताल। हाँ हमारे पास वक्त नहीं है डॉक्टर का इंतजार करने का। पैसे कहाँ है निशा? अगर डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए कह दिया तो क्या करेंगे हम? ये लीजिए पैसे, अब जल्दी कीजिए। यही से अब कांत रही कि अब हम पट्टा शहर में नहीं रह जाते। के जहां जाए के बा जा क्यों नहीं ऑफिस में ये प्रार्थना पत्र जमा कर दीजिएगा, हम दो तीन दिन बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। ये लीजिए।